नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। क्या दिया मिर्जा कनिका ढिल्लन की शादी टूटने का आपस में है कोई कनेक्शन? ये बात आप भी जानना चाहते होंगे। गुरुवार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दो पॉपुलर सेलेब्स ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा शॉकिंग फैसला शेयर किया है। पहले तो एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने शादी के 5 साल बाद पति साहिल सांगा से अलग होने की जानकारी दी। फिर कुछ घंटों बाद राइटर कनिका ढिल्लन ने पति प्रकाश कोवलामुड़ी संग शादी टूटने के बारे में बताया। एक ही दिन में दो शादियां टूटने की खबरों ने फैंस को हैरत में डाल दिया। लेकिन क्या दिया मिर्जा और कनिका ढिल्लन की शादी टूटने का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? खैर, मीडिया में सामने आ रही रिपोर्ट्स में तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। गॉसिप है कि दिया मिर्जा की शादी टूटने के पीछे की वजह कनिका ढिल्लन है। स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनिका ढिल्लन का दिया मिर्जा के पति साहिल सांगा संग अफेयर है, जिसके चलते दिया पति से अलग हो गई है। स्पॉट बॉय ने अपनी रिपोर्ट में वेबसाइट बॉलीवुड बबल के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि दिया मिर्जा को कनिका और साहिल सांगा के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद दिया ने साहिल से अलग होने का फैसला लिया। दिया ने गुरुवार को रिश्ता टूटने की खबर इंस्टा पर शेयर की थी। लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर दिया ने लिखा, 11 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद हम दोनों ने अलग होना तय किया है। हम आगे हमेशा दोस्त रहेंगे, हम दोनों का सम्मान और प्यार बरकरार रहेगा। दिया ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, भले ही हमारा सफर अलग हो रहा हो, लेकिन अब तक के साथ के लिए हम एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार के सभी सदस्यों के शुक्रगुजार हैं। मीडिया से अनुरोध है कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए, इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बता दें कि दिया मिर्जा और साहिल एक दूसरे को 11 साल से जानते थे। दोनों साथ में परफेक्ट कपल लगते थे। दिया मिर्जा के शादी टूटने की खबर से उनके फैंस काफी निराश है। दिया ने 18 अक्टूबर को साहिल सांगा से शादी रचाई थी। उधर कनिका ढिल्लन का कहना है कि वो अपने पति से 2 साल पहले ही अलग हो चुकी है। मालूम हो कि कनिका और प्रकाश दोनों ने साथ में हालिया रिलीज जजमेंटल है क्या में काम किया है। प्रकाश फिल्म के डायरेक्टर है और कनिका स्क्रिप्ट राइटर है। कनिका और प्रकाश की शादी 2014 में हुई थी। मीडिया से बातचीत में दोनों ने बताया कि अलग होने के बाद ही उन्होंने जजमेंटल है क्या पर काम करना शुरू किया था। कनिका ने कहा, ये मायने नहीं रखता कि कब क्या हुआ, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि अभी तक ये सभी खबरें कंफर्म नहीं हो पाई हैं। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।